फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपसे ना लूँ कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो जैसे हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो हमको यहाँ पर ऑप्शन रहता है जनरल मैनेजमेंट। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम क्या आपसे आ रहे हैं नीचे। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हो हम क्या पर ऑप्शन रहता है रिसेट का। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम क्या पर ऑप्शन रहता है रिसेट नेटवर्क सेटिंग। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम क्या पर जो कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सिंपली हमें नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम क्या पर फिर से एक ऑप्शन मिल जाता है रिसेट का। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी हमारे सैमसंग के फ़ोन में। तो आज की वीडियो पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।